Hello friends, I welcome you all on your PDA education. So today I have a good news for you, so that is from IUCL. तो IUCL ने रिसेंटली क्या किया है, स्टूडेंट्स को कॉल किया है फॉर दिस GDGT PI स्टेज. ओके, एंड एज पर आर इन्फॉर्मेशन तो इसमें कट ऑफ काफ़ी कम गया है फॉर डिफरेंट ब्रांचेस. ओके, सो आई विल से जैसे इन मैकेनिकल ब्रांच तो 65, ठीक है, तो जिसके 65 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 65 पॉइंट समथिंग है, तो उसको कॉल आ गया है फॉर दिस नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू GDGT के लिए. ओके, एंड सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज आल्सो, EWS के लिए भी कुछ 65 से कुछ कम गया है, एंड इवन फॉर SC ST तो 50 के आसपास ही गया है एज पर आर इन्फॉर्मेशन. तो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो जिनके मार्क्स कम भी थे, तो उन्हें कॉल आ गया है फॉर दिस नेक्स्ट स्टेज. ओके, तो सिमिलरली फॉर अदर ब्रांचेज आल्सो, तो जैसे आई विल से कि जनरल में जिनके 65 मार्क्स थे मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ठीक है, तो उनको कॉल आ गया है. तो EWS, OBC तो वो भी आसपास ही मार्क्स हैं, इवन SC ST के लिए तो और भी कम गया है कट ऑफ. ओके, तो एक गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए. तो बम्पर इंटरव्यू कॉल्स आए हैं स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे इंटरव्यू कॉल्स आए हैं, जैसे मैंने कल एक वीडियो में बताया था, तो आप अपना चेक कर सकते हैं. अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको, अगर आपके इतने मार्क्स थे तो आपको इंटरव्यू कॉल जरूर आया होगा फॉर दिस GDGT एंड इंटरव्यू स्टेज, ठीक है. तो सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आल्सो, एज पर आर इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स ने कन्फर्म किया है कि 51 OBC कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल में कॉल आ गया है, एंड इलेक्ट्रिकल में EWS के लिए 49 मार्क्स पर भी कॉल आ गया है. क्लियर है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसका एक रीजन जो हमें समझ आता है कि कोविड के बाद, ठीक है, इकोनॉमी जैसे बूस्टअप हो रही है, एंड IUCL एक्सपेंड भी करेगा, तो इन दो सालों में जो वैकेंसीज इतनी नहीं आई थी, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉल कर लिया है. इसके अलावा एक जो और मेन रीज़न हमें जो समझ आता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट में जब आप देखोगे यहाँ पर, सो दे हैव गिवन दैट इज़ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है. तो दो टाइप की इसमें मैं बताऊंगा जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक तो इंजीनियर्स और ऑफिसर्स फ्रॉम दीज 5 ब्रांचेस, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल. एंड इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स को आई विल से ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स के रोल के लिए भी सिलेक्ट किया जाएगा. अभी टेम्परेरी पोस्ट नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो कि टेम्परेरी पोस्ट हैं ये, तो अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, तो इनको फिर रेगुलराइज कर लिया जाएगा, जो कि सेम पैकेज रहेगा जो कि इनका होगा. सो दैट इज इंजीनियर्स एंड ऑफिसर. तो स्टार्टिंग में जो स्टाइपेंड रहेगा, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंडर जो स्टाइपेंड रहेगा, वो ही होगा, ठीक है. तो मान के चलो इन्हें रेगुलर कर लिया जाएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करते हैं, ठीक है. एक तो एक्सपेंशन मोड है, और दूसरा कि इन्होंने GAE के लिए भी इस बार इन्होंने क्या किया है, सेम ही एडवर्टाइजमेंट में स्टूडेंट्स को कॉल कर लिया है, इस करके जो कट ऑफ गई है वो कम गई है. ओके, अब जिन स्टूडेंट्स को भी कॉल आया, आई विल से केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन ब्रांचेस के लिए भी जो कट ऑफ गया है वो कम गया है, ठीक है. तो जिन स्टूडेंट्स को भी कॉल आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, GDGT PI जो कि एलिमिनेटिंग राउंड होने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, एंड जैसे कि आपको पता है, यूरपीडिया यूट्यूब चैनल पर हमारे काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं रिगार्डिंग दिस ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यूज. ओके, तो आप उन्हें देख सकते हैं, एंड वी आर अटैचिंग द गूगल फॉर्म थ्रू दिस वीडियो. ओके, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो. सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. सो गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए. सो दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉट कॉल फॉर दिस स्टेज इंटरव्यू GDGT, सो दे कैन प्रिपेयर विद यूरपीडिया. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग यूरपीडिया. थैंक्स वंस अगेन.